तो लोहा मैराथन अब थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। हालांकि नरेंद्र मोदी की तो पहले ही शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको हम अहमदाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच चुके हैं मंच पर। अहमदाबाद में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी, जबकि वडोदरा में आपको जैसा कि हमने बताया कि नरेंद्र मोदी वडोदरा से हरी झंडी दिखाएंगे। थोड़ी देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और औपचारिक तौर पर बताया जा रहा है कि इसी के बाद प्रतिमा बनाने का जो अभियान है, गांव-गांव से लोहा एकत्रित करने का जो अभियान है भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से, वो शुरू कर दिया जाएगा। तो इस मैराथन के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जैसा कि अभी से थोड़ी देर पहले आपने सुना हमारे एक पैकेज में, उसमें बताया गया कि किस तरह से इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और किस तरह से नरेंद्र मोदी 2014 को लक्ष्य मानकर लाल किले तक कैसे पहुंचना है और उसका रास्ता क्या हो, रोड मैप क्या हो, उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है उसी कोशिश की एक कड़ी रन फॉर यूनिटी भी है। तो पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने इस दौड़ से, एकता का दौड़ कहा जा रहा है, रन फॉर यूनिटी। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर इसका आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि 565 रियासतों का विलय कराया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद। और इस वक्त गोपी घांगर हमारे संवाददाता अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। गोपी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त और कितनी देर है हरी झंडी दिखाने में लाल कृष्ण आडवाणी की, क्योंकि वो तो पहुंच चुके हैं मंच पर। प्रभारी मंत्री श्री शहरी विकास मंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल, गोपी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है गोपी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर काफी शोर होगा और थोड़ी देर में वहां से जैसे कि मैराथन की शुरुआत होने वाली है, लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम जो सम्मानित मेहमान वहां पर हैं वो पहुंच चुके हैं मंच पर और यहां से हरी झंडी दिखाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी इस दौड़ को। गोपी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? गोपी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि अब थोड़ी देर में यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ इसी तरह से देश भर में बीजेपी के जो नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत करेंगे।